आज का रेसिपी है चीज पराठा हेलो फ्रेंड वेलकम टू फूड कार्निवल संडे टाइम थोड़ा इवनिंग में वर्कआउट करें एंड वर्कआउट को सेलिब्रेट करें कैसे एक इजी लेजी चीजी पराठा में सो इट इज वेरी इजी टू मेक वन टू थ्री गो चीज पराठा इट इज वेरी यमी चीजी इट इज डेफिनेटली वेरी चीजी Uh, will make it little bit healthy by using less amount of oil but that too olive oil extra virgin olive oil and we'll be using uh, processed cheese in this and uh, you can choose any of the brands and it is definitely for the lazies minute cheesy paratha easy lazy paratha and kai but don't forget to work out after that because a healthy life is definitely essential for a healthy living सो हर इज़ द प्रोसेस फॉर द ईजी वीजी लेजी पराठा इसके लिए हमें चाहिए प्रोसेस चीज़ वन ट्वेंटी ग्राम्स इससे हम तीन से चार पराठा बना सकते हैं तीन पराठा बनेगा आपका मीडियम साइज़ का जो बहुत ही चीज़ी चीज़ बर्स्ट पराठा रहेगा एंड अगर आप चार पराठा बनाएंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ पराठा रहेगा इसे पूरी तरह से ग्रेट कर लें एंड अब इसमें स्पाइसिस ऐड करें सब स्पाइसिस मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं लिख दूंगा सी इस बेसिक इन्ग्रीडियंट इज प्रोसेस चीज़ हाफ कट लेमन टर्मरिक पाउडर रेड चिली पाउडर मिक्स मसाला गरम मसाला कट चिलीज़ टू टू थ्री कैरम सीड अजवाइन फेनोग्रिक लिप्स ड्राइड सॉल्ट टू टेस्ट अब इन सारे मसालों को हम करेंगे मिक्स आप चाहिए तो थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं फॉर द टैंगी फ्लेवर बट लेमन इज़ सफिशेंट अब एक नॉन स्टिक पैन को चूल्हे पे रखें गैस ऑन करें उसे मीडियम फ्लेम पे गरम होने दें होल व्हीट आटे का एक डो बनाएं उसका पेड़ा लें उसमें एक जनरस अमाउंट ऑफ चीज़ डालें आपको कितना चीज़ ही चाहिए मैं इसे हेल्दी और ऑप्शन में रख रहा हूँ आई एम पुटिंग ऑलमोस्ट आई एम मेकिंग फोर पराठा आउट ऑफ वन ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ चीज़

इसे अच्छे से सिकने दें दोनों साइड जब थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा तो इसे फ्लिप कर दें थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद अब इसमें आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं आई एम यूजिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैं इसे ज़्यादा गर्म नहीं करूँगा आई डोंट वॉन्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑलिव ऑयल टू वैनिश तो मैं चाहता हूँ उसका एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहे बना रहे तो मैं इसे मीडियम फ्लेम में ही कुक कर रहा हूँ आई एम नॉट ओवर कुकिंग इट इसे अच्छे से रोस्ट कर लें अब इसे प्लेट में डिश आउट करें एंड पिज्ज़ा कटर से कट करें आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं सर्व इट विथ अचार और चटनी और सॉस दिस इज़ वेरी चीज़ी वेरी टेस्टी आप झटपट इसे कभी भी बना सकते हैं इट जस्ट टेक्स फाइव मिनट टू क्रिएट एंड मेक द स्पाइसिस बट बी केयरफुल द चीज़ इनसाइड इज़ वेरी हॉट इट्स लिक्विड द लिक्विड चीज़ इज़ वेरी हॉट सो